Okay, today we are starting the endocrine system, and basically when we are talking about the glands are of two different types. That are the endocrine glands and the exocrine glands. Exocrine glands are such type of glands that they secrete their products, and these products are carried to the target organs through special duct system, and this system is called the exocrine ग्लैंड सिस्टम, या हम उसको एग्जोक्राइन सिस्टम कहते हैं. जो एंडोक्राइन सिस्टम है, दिस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम द एग्जोक्राइन सिस्टम, बिकॉज इन द एंडोक्राइन सिस्टम द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीशंस, एंड दी सिक्रीशंस आर कैरीड टू द टारगेट ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड. देर आर नो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर देम टू कैरी दियर प्रोडक्ट्स, एंड दीज सिक्रीशंस वेन रीच टू द टारगेट ऑर्गन्स दे they act on these cells, and they either activate or special type of secretions, or they inhibit a special type of secretions. So as far as endocrine glands are concerned, these are the ductless glands, means they don't have a duct system. They secrete their secretions or hormones, and these hormones are reached to target organs through the blood. Endocrine सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन्स, या तो उसमें ऑर्गन्स होते हैं कम्प्लीटली, जो ग्लैंड्स होता है वो एक ऑर्गन होता है, या जो है वो बाकायदा एक टिशू के फॉर्म में होता है, या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, और उनकी जो सिक्रीशन होती है वो फिर बाकायदा कैपिलरीज में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ब्लड जो है वो डिफरेंट रीजन्स तक वो पहुँच जाती है. So as far as the parenchyma of these glands is concerned, parenchyma jo hota hai means functional part of the glands jo hote hain, wo zyada tar epithelial type of glands hote hain, ya kuch epithelial type of glands hote hain, jo ki uska stromal part hai, jo ki support provide karta hai us gland ko. It consist of special delicate and interstitial jo hai wo tissue hota hai, wo usko ek support provide karta hai. जहाँ तक फंक्शंस की बात है कि एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं. स्पेशली एक तो ये है कि वो बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको वो कंट्रोल करते हैं, बॉडी की जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो मेनटेन करते हैं, यानी दे कीप द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंट, एंड दीज हारमोन्स ऑल्सो मॉडुलेट्स द टारगेट सेल्स फंक्शंस बाई स्टिमुलेटिंग और इनहेबिटिंग प्रोसेस. It means that when hormones are released, they either activate the cells by stimulating and secreting some specific products from these cells, or they may inhibit specific type of secretions that are produced by these cells, and they try to inhibit these cells. Third one is the function of the endocrine system is regulated by neural, endocrine, and immune signals. As far as the function is concerned, their function is mostly regulated by the neural, means उसमें जो nervous system है इनका एक बाकायदा एक mutual coordination होती है neurons के साथ, nervous system के साथ, कि आया इस किसी gland ने जो है कोई hormones release करना है या नहीं करना, वो कुछ जो है nervous system के control में होता है. इसके अलावा कुछ endocrine जो अपने ही glands हैं वो क्या करते हैं, किसी एक gland की secretion को either enhance कर देते हैं या जो है वो उसको स्टॉप कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में कुछ ग्लैंड्स एक सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हार्मोन्स अगर ज़ाहरी बात है किसी एक खास लेवल तक, या उसको बॉडी की ज़रूरत होती है, बॉडी को ज़रूरत होती है, जब उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है या उस हार्मोन का मज़ीद कुछ काम नहीं रहता, तो उसके लिए फिर क्या हो जाता है, एक दूसरा हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसको इनहेबिट करने की कोशिश करता है. तो इस मेकानिज़म को हम कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड एज फीडबैक मेकानिज़म. इसके अलावा कुछ इम्यून सिग्नल्स भी होते हैं जो कि उसके फंक्शन को मेंटेन करने में बड़ी रोल प्ले करते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो या तो एंडोक्राइन ऑर्गन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बकायदा एक एनकैप्सुलेटेड ऑर्गन होगा, या जो है हमारे पास कुछ टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मीन्स देयर विल बी सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, उसकी एग्रीगेशन सी होगी उसके अंदर प्रेजेंट होगा, या जो है कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एक नॉन एंडोक्राइन ऑर्गन में, मीन
हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उसकी एग्रीगेशन होती है। ऑर्गन बेसिकली हमारे पास नॉन एंडोक्राइन होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, या इंडिविजुअली भी लाई कर सकते हैं। जिस तरह एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर बेसिकली देट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस। मेन टाइप ऑफ ग्लैंड्स दैट आर एंडोक्राइन इन नेचर, दीज आर द हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, आल्सो कॉल्ड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज एपिफाइसिस सेरेब्राई, दैट इज द पाइनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड। टिपिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन टिश्यू, व्हाट इज एंडोक्राइन टिश्यू? These are basically they have well differentiated epithelial or epithelioid cells. Means these are the specific type of aggregation of endocrine cells that are clustered in a specific place. For example, इसके हमारे पास जो है वो पेनक्रियाज है। जिस तरह पेनक्रियाज के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, कुछ एंडोक्राइन फंक्शन भी है, कुछ एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। तो एंडोक्राइन फंक्शन में अगर हम देते हैं तो वहाँ पे कुछ जो हमारे पास सेल्स होते हैं, जो आईलेट ऑफ जो है लेंगर हांस होते हैं जो कि पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक एग्रीगेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स जिस तरह इंसुलिन और जो ग्लूकागोन है वो रिलीज करते हैं। दीज ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स आर इंडिकेटिव ऑफ सीक्रेटरी एक्टिविटी, मीन्स दीज स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक सीक्रेटरी एक्टिविटीज एंड दे आर इन्वॉल्व इन द स्पेसिफिक सिक्रेटरी एक्टिविटी एंड दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक। द मेन क्वेश्चन इज दैट वाई दे आर नियर टू द ब्लड कैपिलरीज, बिकॉज दे आर सिक्रीशंस आर मोस्टली रिलेटेड टू द ब्लड एंड दे आर सिक्रीशंस आर अटैच विद दी ब्लड एंड थ्रू ब्लड दीज थिंग्स कैन बी मीन्स द हारमोन्स कैन बी रीच्ड ईजीली। जाहिरी बात है ब्लड की पिलरीज के साथ जो है इसका कॉन्टेक्ट होगा, तो ब्लड की पिलरीज के थ्रू जो है वो उसके जो हमारे पास हार्मोन्स की सिक्रीशंस हैं वो उसके साथ इजीली एब्जॉर्ब होंगी और उसके साथ ब्लड में शामिल होंगी और टारगेट का ऑर्गन्स तक जो है वो पहुंच जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि The organelles and inclusions are indicative of secretory activity that are closely associated with blood capillaries and lymphatics. जाहिर बात है उनके साथ क्लोजली अटैच होती हैं ताकि वो सिक्रीशन को इजीली किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएं। एंडोक्राइन टिश्यू आर फाउंड इन ऑर्गन्स दैट आर नॉन एंडोक्राइन, जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि जो हमारे पास पेनक्रियाज है तो उसके अंदर जिस तरह क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर जो है हमारे पास वो स्पेसिफिक एंडोक्राइन टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड दीज ऑर्गन्स आर इंक्लूड दी पेनक्रियाटिक आईलेट सेल्स, कार्डियक मायोसाइट्स, जिस तरह पेनक्रियाटिक आईलेट सेल्स हैं उसमें हम बात करते हैं ग्लूकागोन और इंसुलिन को जो रिलीज करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स हैं। इसके अलावा जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं वो ज़्यादातर आर्टरी यूरेटिक फैक्टर्स एएनएफ को सिक्रीट करते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनीज जो हैं वो रेनिन को रिलीज करते हैं, इंटरनल थीका सेल्स जो हैं वो ज़्यादातर एस्ट्रोजन में इन्वॉल्व हैं उसको सिक्रीट करने में, इंटरस्टिशियल एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं टेस्टिस के वो लेडिक सेल्स जिसको हम कहते हैं बेसिकली वो किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो टेस्टोस्टेरोन में इन्वॉल्व हैं। इस तरह कॉर्पस लूटियल सेल्स ऑफ ओवरी जो हैं हमारे पास उसमें भी ये है कि जो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन है वो उसको रिलीज करते हैं। इसके अलावा हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा बन जाता है आफ्टर द कंसेप्शन जो है प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन के तौर पे वो काम करते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअली, दे आर डिस्पर्स्ड इन एपिथीलियम ऑफ डाइजेस्टिव यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड ऑल्सो इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो उसके अंदर भी कुछ एपिथीलियम के अंदर स्पेसिफिक इंडिविजुअल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोक्राइन सेल्स का रोल प्ले करते हैं और जो है वो एक डिफ्यूज एंडोक्राइन सिस्टम बना लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी हाइपोफाइसिस सेरेब्राई पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज बेसिकली प्रेजेंट बीनीथ दी हाइपोफाइसिस, मीन्स कि जो हाइपोथैलेमस है उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है।
It consists of two different portions. These are the adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis means anterior pituitary, while neurohypophysis means posterior pituitary. Adenohypophysis is differentiated anatomically into three different parts, and these parts are the pars distalis, pars intermedia, and pars tuberalis. You can see in this diagram that the different portions have been presented here. That is the anterior pituitary that consists of three different parts. That is the pars tuberalis, pars intermedia, this one, and the pars distalis. While the second one, that is the posterior pituitary, that has been shown here. And these pituitary gland is attached with the pituitary stalk to the hypothalamus. Pars distalis is the largest part of the adenohypophysis. Anterior pituitary mein jo sabse bada part hota hai, wo pars distalis ka hota hai. So, as we have discussed, that there are three different portions, or the three different parts of the anterior pituitary, starting from the pars distalis. Against on the staining ability, there are three different types of cells that have been identified, and these are the acidophils, basophils, and chromophobes. Basically, the acidophils, basophils, and chromophobes, these have been identified on the basis of the specific type of stain that they gain. And these cell types varies in shape, size, number, and position that depends upon the species, gender, age, and physiologic status of the individual. Means ki jo hamare paas three different types of cells hain, kuch acidophils hain, kuch basophils hain, aur chromophobes hain. Acidophils jo hain wo acidic in nature hote hain, means acidic in nature ke dye ko wo karte hain, affinity rakhte hain. Basophils जो हैं वो ज़्यादातर basic dye को affinity रखते हैं. जो chromophobes हैं वो थोड़े से neutral type consider किए जाते हैं, because they do not have any affinity for specific type of stain. So जो इन cells की shape है, या size है, number है, या जो position है कि किस जगह पे present होंगे pituitary gland के अंदर pars distalis में, तो वो depend करता है कि species कौन सी है. इसके अलावा कुछ gender means male and female, I mean sex of the body. इसके अलावा एज पे भी डिपेंड करता है, और फिजियोलॉजिक स्टेटस से मुराद ये है कि बॉडी के अंदर जिस तरह डिफरेंट फिजियोलॉजिक कंडीशंस होती है. फॉर एग्जांपल इन फीमेल में जो है, जो ईस्ट्रस साइकिल होता है, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, या जो है बॉडी के अंदर एक्सरसाइज आप फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, या कोई आपकी स्टैटिक पोजीशन वगैरह है, तो उस हवाले से जो है इनकी इसको हम फिजियोलॉजिक स्टेटस कहते हैं. तो उसकी वजह से जो है इनका नंबर चेंज हो सकता है. इसके अलावा फाइव सब टाइप्स ऑफ सेल्स हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड थ्रू इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री. इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री को अगर हम देखते हैं स्टेनिंग एफिनिटी को छोड़ के, तो वो एक अलग किस्म के जो है आइडेंटिफिकेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की. तो उसमें हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि आइडेंटिफाई हो गए हैं, और उन सेल्स का स्पेसिफिक डिफरेंट जो है वो काम होते हैं. सेक्रेटरी वेसिकल ये स्टोर करते हैं इन सेल्स में, और ये जो है फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू जो है वो इन सेल्स से बाहर रिलीज हो जाते हैं. और उन सिक्रीशंस जो हैं, कौन कौन सी सिक्रीशन है, उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास हारमोन्स है वो रिलीज होते हैं, जिनमें हमारे पास सोमेटोट्रोपिन हारमोन है, जो कि ग्रोथ हारमोन भी उसको कहते हैं. इसके अलावा जो लेक्टोट्रोपिन हारमोन है, जिसमें प्रोलेक्टिन और मेमोट्रोपिन आते हैं. इसके अलावा थायरोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH जिसको कहते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे इनके अपने फंक्शंस हैं, अपने रोल जो हैं वो प्ले करते हैं. इसके अलावा जो है हमारे पास गोनेडोट्रोपिन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है. इसके अलावा कटिकोट्रोपिन, जो एड्रीनो कटिकोट्रॉपिक हारमोन भी हम उसको कहते हैं, वो इन्वॉल्व है. मीन्स ऑल दीज हारमोन आर रिलीज फ्राम दी डिफरेंट पार्ट्स, डिस्टेरस पार्ट्स. उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स हैं, उनके इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं. उन हार्मोन्स का अपना एक फंक्शन है. सो एसिडोफिल्स को अगर हम देखते हैं, तो वो क्या है, दीज आर स्पेसिफिकली सोमेटोट्रॉफ दैट सिंथेसाइज ग्रोथ हार्मोन. इनका मेन काम है कि ये ग्रोथ हारमोन्स को रिलीज करते हैं. अगर आप इसमें देखें द पार्स डिस्ट्रेस का जो पार्ट है, उसमें आपको जो है वेरियस टाइप के सेल्स नज़र आते हैं, जिसमें बेसोफिल, एसिडोफिल और जो है क्रोमोफोब्स नज़र आते हैं. एसिडोफिल में आपको ये इसिनोफेरिक टाइप्स के नज़र आते हैं, बेसोफिल में आपको ज़्यादातर ये जो है
थोड़े ब्लूइश कलर के नज़र आएंगे, जो क्रोमोफोब्स हैं वो थोड़े से लाइट कलर के आपको नज़र आते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन पार्स डिस्टेरिस। इसके अलावा दे आल्सो कंटेन एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स दैट स्टेन विद ऑरेंज जी डाई एट स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेन दैट इज ऑरेंज जी डाई। इसके लिए यूज़ किया जाता है, वो एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स को जो है वो स्टेन करते हैं, उसकी वजह से फिर एसिडोफिल्स का पता चल जाता है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोट्रॉफ्स हैं जो कि प्रोलेक्टिन को रिलीज़ करते हैं, और इसके लिए जो स्पेसिफिक स्टेन यूज़ किया जाता है दैट इज़ बेस्ट कार्मीन डाई, वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ दी बेसोफिल। बेसोफिल क्या चीज़ है, उसमें जो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दीज आर दी थायरोट्रॉफ्स। उसमें थायरोट्रॉफ हैं वो क्या करते हैं, जो थायरॉक्सिन हैं बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इन्वॉल्व है, मींस थायराइड पे इसका एक्शन है, थायराइड को वो मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि वो जो है वेरियस टाइप्स ऑफ जो T4 और T3 को रिलीज करें। इसके अलावा जो है कुछ गोनेडोट्रॉफ्स हैं जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और LH हार्मोन है, वो उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कार्टिकोट्रॉफ हैं बेसिकली एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, उसको हम कहते हैं एडिनोकार्टिक्स भी, उसका ज़्यादातर जो है वो एक्शन है। तो नेक्स्ट वन इज़ दी क्रोमोफोब्स। क्रोमोफोब्स हमारे पास जो पुअरली स्टेन्स विद डाइज, ये ज़्यादातर क्रोमोफोब्स हैं, ज़्यादातर एफिनिटी नहीं रखते स्टेन के लिए, तो इस वजह से ये सही स्टेन नहीं होते, पुअर जो है वो स्टेन लेते हैं। और ये यूजुअली फॉर्म एपिथीलियम, ये एपिथीलियम के जो है ज़्यादातर बनाते हैं। दे आर इन्वॉल्व, उसका जो मेन फंक्शन है वो फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव फंक्शन भी हैं, इसके अलावा जो है इसका स्टेम सेल्स के तौर पे भी काम करते हैं, और ये वो डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल्स हैं, दूसरे सेल टाइप्स में वो जो है वो चेंज होने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट वन जो पार्ट है जो हमारे पास इंटीरियर पिच्यूटरी का, दैट इज़ द पार्स इंटरमीडिया, वो ज़्यादातर उसमें मेलानोट्रॉफ्स आते हैं, वो यानी इस तरह के कुछ सेल्स हैं जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को वो रिलीज़ करते हैं, मीन्स उसका ज़्यादातर पिगमेंटेशन जो है बॉडी में जो पिगमेंट्स हैं उसको उसमें इन्वॉल्व है, यानी मेलानोसाइट को वो एक्टिवेट करते हैं कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिगमेंटेशन यानी मेलानिन को प्रोड्यूस करे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स टायरोसिनेज। इसके अलावा जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस है, दैट इज़ द पोस्टीरियर पिच्यूटरी, उसमें ज़्यादातर ये हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड ADH, उसके स्टोरेज के तौर पे काम करता है, वो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, मीन्स ये ज़्यादातर स्टोरेज पार्ट है ऑफ दी पिच्यूटरी ग्लैंड। ये थायराइड स्टार्ट लेते हैं हम थायराइड ग्लैंड से, पिच्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है, ये बेसिकली इट इज़ लोकेटेड इन दी अपर ट्रेकियल रीजन, मोस्टली टूवर्ड्स दी फर्स्ट और सेकेंड ट्रेकियल रिंग्स, जो कि ओवरलेप करता है दोनों साइड से, और ये एस्टमस के ज़रिए जो है दो डिफरेंट लोब्स होते हैं उसके उसके थ्रू एस्टमस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट क्रॉसेज द मिड लाइन ऑफ द अपर ट्रेकिया एट द सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग्स। हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू सी दैट इट इज कवर्ड बाई अ फाइबरस कैप्सूल। एनाटॉमिकली वी सी, अगर एनाटॉमिकली हम इसको देखते हैं तो हमें थायराइड ग्लैंड इस तरह नज़र आता है। देखें ये जो है हमारे पास बकायदा लरिंग्स का रीजन है, उसमें हमारे पास आते हैं सारे ये दो हमारे पास लोब्स हैं और एस्टमस के ज़रिए एक दूसरे से मिले हुए हैं, वन इज़ द राइट लोब एंड सेकेंड वॉज दी लेफ्ट लोब, मोस्टली जो है स्टर्नोहाइडस मसल के नीचे ये जो है ये प्रेजेंट होता है। हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ कवर्ड बाई अ फाइबरस कैप्सूल, यानी उसके इर्द गिर्द जो है आउटर साइड से कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, दैट प्रोटेक्ट्स दी ग्लैंड फ्राम दी अदर हार्मफुल मटीरियल्स या कोई जो है ट्रेजिडी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड देर आर फ्राम दी कैप्सूल सम स्पेसिफिक सेप्टा एराइज दैट एक्सटेंड इन टू द पेरेन्काइमा, मीन्स द फंक्शनल पार्ट ऑफ द ग्लैंड्स, एंड इट डिवाइड इट इंटू वेरियस लोब्यूल्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट, वेरियस लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो है उसके अंदर क्या होता है कि ये पेरेन्काइमा उसको डिवाइड किया गया होता है बाई दी सेप्टा, और एंड दी सेप्टा कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लैम्फेटिक्स।
हाँ, जब हद तक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरेन्काइमा, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोलिकल्स। वहाँ पे डिफरेंट फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके अलावा कुछ इंटरस्टिशियल स्ट्रोमा होता है जो कि इन फोलिकल्स को सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम यू कैन सी, अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये बेसिकली दीज आर दी सेप्टा, ये सेप्टा है दैट कंटेन्स दीज ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स वगैरह जो है लिम्फेटिक्स से इधर आते हैं। इसके अलावा दीज आर दी फोलिकल्स। इंडिविजुअली जो राउंड शेप आपको एक चीज़ नज़र आती है, ये एक फोलिकल है, ठीक है। इस फोलिकल के अंदर क्या होता है, दिस फोलिकल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जो कि तकरीबन कोबाइडल या स्क्वेमस टू टाल कोबाइडल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी एक्टिविटी ऑफ दी ग्लैंड, उसके हवाले से जो है ये प्रेजेंट होते हैं, सिंगल इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं इन ही एपिथीलियम ग्लैंड्स की, ठीक है, वो सिक्रीशन क्या होती है, इन ही ये जो इसको हम कोलाइड कहते हैं, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये सारी उसकी सिक्रीशंस हैं बेसिकली। कंप्लीटली एक फोलिकल है, फोलिकल के अंदर जो है ये कोलाइड है जो कि जेल लाइक मटीरियल होता है। बेसिकली दिस कंटेन्स द स्टोरेज ऑफ थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन जो है, ये जो दो हार्मोन्स हैं यानी T3 और T4, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं। और इसमें तकरीबन इतना स्टोर हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी को जो है थायरेक्सिन प्रोवाइड नहीं भी कर रही, तो अराउंड अबाउट 3 मंथ्स तक आपकी बॉडी में थायरेक्सिन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वहाँ से रिलीज होता है और आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरी कर देता है। स्ट्रोमा कंटेन्स दी ब्लड वेसल्स, साइनोसाइट्स एंड एड्रिनर्जिक एक्सॉन्स, मीन्स उसकी बात हो रही है स्ट्रोमा की, तो वहाँ पे कुछ ब्लड साइनोसाइट्स यानी कैपिलरीज टाइप्स होंगे और इसके अलावा कुछ एक्सॉन्स वगैरह भी होंगे। थायराइड फॉलिकल इज सराउंडेड बाई सिंपल कोलाइड कोबाइडल एपिथीलियम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्ली थ्रू द डायग्राम। द एपिथीलियम पोलरिटी वेरीज विद सिंथेटिक एक्टिविटी दैट इज द स्क्वेमस टू कोलमनर, मीन्स इफ द थायराइड ग्लैंड इज मोस्ट फंक्शनल आर इट इज वर्किंग प्रॉपरली आर एक्टिव इन नेचर, देन द सेल्स विल बी कोलमनर मे बी टू टाल कोबाइड, बट वेन द एक्टिविटी इज स्टॉप आर दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ सिक्रीशंस, सो द एपिथीलियम चेंजेस एंड देयर शेप चेंजेस टू द स्क्वेमस। द थायरोग्लोबुलिन मीन्स अ ग्लाइकोप्रोटीन एक्सोसाइटोस्ट एक्सोसाइटोस्ट एंड एकमुलेटेड इन फॉलिकुलर ल्यूमन कॉल्ड कोलाइड। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि जो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन होते हैं वो क्या है, वो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं फॉलिकल के तौर पे, जो है वो एक कोलाइड हम उसको कहते हैं जो कि जेल लाइक मटेरियल होता है, जो बेसिकली थायरोग्लोबुलिन है वो प्रिकर्सर है T3 का, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इंटू T4, मीन्स थायरोग्लोबुलिन से हमारे पास T3 बनता है, फिर T3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है T4 में, और जो है T4 बेसिकली थायरॉक्सिन है एक्टोफॉर्म के तौर पे काम करता है। पैरा फॉलिकुलर सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड दिस इंटरस्टिशियल एरिया, मीन्स बिटवीन द डिफरेंट फॉलिकल्स, यहाँ पे कुछ जो है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। उन पैरा फॉलिकुलर सेल्स का काम ये होता है कि वो कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करते हैं, और कैल्सिटोनिन क्या काम क्या है कि वो ब्लड में हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फॉलिकल है तो ये दूसरा फॉलिकल है, दरमियान में ये जो है सेल्स पड़े हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैरा फॉलिकुलर सेल्स, ये बेसिकली कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द